नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बरबट्टी की खेती से किसान हो सकते हैं मालामाल। मछली बीज उत्पादन करके कमाए अच्छी आमदनी। हमारे प्रदेश के जो किसान बरबट्टी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बुवाई के लिए उचित चल रहा है और वे इसकी खेती करके अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। तो आप बरबट्टी की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए खेत तैयारी से लेकर बुवाई तक के सभी कार्यों को किस तरह से संपादित करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार, आज हम बरबट्टी की खेती की बात करेंगे। जैसा कि किसान भाई आपको पता है कि बरबट्टी बरसात में भी इसकी खेती की जा सकती है और बारिश का मौसम शुरू हो गया है, ये लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। किसान भाई, जहाँ तक किस्मों की बात है तो इसमें बहुत सारी किस्में हैं, और जैसे IIVR से निकली हुई है, काशी कंचन है, काशी श्यामला है, आपका पूसा दो मौसमी है, पूसा ऋतुराज है, इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं, इनमें से हम चयन कर सकते हैं। हमको इसमें ये देखना है कि हमको कितने दिन में फसल चाहिए। जैसे पूसा ऋतुराज है, वो काफ़ी कम समय में और एक ही पहली बार में ही इसमें करीब 85% इसमें फलियां आ जाती हैं, और ये सब्जी के लिए और दालों के लिए दोनों के लिए बहुत उपयुक्त है। बरबटी की खेती में एक चीज़ और किसान भाइयों को ध्यान देना होगा कि हमें मार्केट में ये देखना पड़ेगा कि हमें सफ़ेद वाली या गाढ़े हरे रंग वाली किस रंग की फली की हमें मार्केट में डिमांड है, उसके हिसाब से हम अपनी किस्मों का चयन करना चाहिए। लोबिया की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। इसके अच्छे उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अच्छे जल निकास और प्रचुर रूप से कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी इसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी, सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद दो बार देशी हल या कल्टीवेटर के द्वारा खेत की जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की या उर्वरक की व्यवस्था की। तो 200 से 250 क्विंटल FYM अपन खेत में आखिरी जुताई के समय पर इसमें मिला दें। क्योंकि बरबटी लेग्यूमिनस क्राप है, ये फली वाली फसल है, इसमें हमें नत्रजन की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। इसमें चूँकि बरबटी में खुद में ये क्षमता होती है कि वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो उसको फिक्स कर लेता है, तो हमें 12 से 14 किलोग्राम नत्रजन की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और जहाँ तक बात है फास्फोरस की और पोटास की, तो 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और इतने ही पोटास की आवश्यकता होती है, और ये सभी कुछ हम खेत में अंतिम जुताई के समय में इसको मिला देना चाहिए। अब बात आती है कि बरबटी की खेती के लिए हमें बीज कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी। तो किस्म के अनुसार और खेत के हिसाब से 12 से 15 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज पर्याप्त होता है। सबसे पहले तो हम किसान भाइयों से ये कहेंगे कि बरसात में चूँकि फफूंदी जनित रोग ज़्यादा आक्रमण करते हैं फसल पर, इसलिए बीजोपचार बहुत ही आवश्यक है। तो ख़ास तौर से बरबटी के बीज के लिए थायरम 3 से 4 ग्राम पर किलो के हिसाब से इसका बीजोपचार आवश्यक है। बुआई का तरीका, चवला की फसल बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करनी चाहिए।
चावला की बुआई खरीफ में मानसून आने पर जून शुरुआत से जुलाई के अंत तक कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण। बुआई के बाद फसल में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जो किसान भाई रासायनिक दवाओं से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहते हैं, तो वे बुआई के 48 घंटे के अंदर पेंडीमेथिलीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं। इसके बाद खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। बरबटी में एक चीज और है कि इसमें दो तरह की फसलें होती हैं, एक तो जो छोटी रह जाती हैं और एक होती हैं जो झाड़ी नुमा होती हैं। जो झाड़ी नुमा होती हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं और उनके लिए हमको स्टैकिंग की व्यवस्था करनी होती है कि उसकी बेलें ज़मीन में ना फैलें, और जो छोटे और झाड़ी नुमा होते हैं उनमें हमें स्टैकिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस्मों का चुनाव करते समय हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और खेत की तैयारी करते समय हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये उथली जड़ वाली फसल है, इसीलिए अगर बरसात में आपका 7 से 8 दिन के अंदर बारिश नहीं होती है तो हमें इसमें पानी देने की भी आवश्यकता होती है, पर पानी हम इतना ही दें कि इसकी जड़ें चूँकि उथली हैं तो कम मात्रा में पानी दें, बहुत जल भराव की स्थिति निर्मित ना करें। ये अगर छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमको अच्छी फसल प्राप्त हो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में मत्स्य पालन को लेकर काफी संभावनाएं हैं और पिछले कुछ दशकों से मत्स्य पालन ने व्यवसाय का रूप ले लिया है। मछली पालन में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों के वैसे समुदाय जिनकी आजीविका केवल खेती पर आधारित है उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। अगर आप मछली पालन के तहत मछली बीज उत्पादन करें तो इससे भी आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए मत्स्य बीज उत्पादन के बारे में जानकारी लेते हैं मत्स्य विशेषज्ञ इप्सिता विश्वास से। मत्स्य किसानों, आज हम लोग मछली पालन के साथ साथ मछली पर्यावरण या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे और आपको क्या क्या मुद्दे को ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो ये है कि जो भी आप मछली पालन करते हैं वो मार्केटिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट का जो प्राइस है मतलब बाज़ार का जो दर है उसके हिसाब से आप हम लोग तय करते हैं या फिर मत्स्य कृषकों ने तय करते हैं कि कौन सा मछली पालन करना चाहिए। यानी हर पूरे ज़्यादातर मैं मीठा पानी मछली के बारे में ही बात करना चाहूँगी। ज़्यादातर अभी इतना ज़्यादा प्रजाति मछली हम लोग पालन करने लगे हैं, पहले हम लोग सिर्फ रोहू कतला नैनी ये सब पालन करते थे, अब धीरे धीरे हम लोग डाइवर्सिटी मतलब मछली का अलग अलग प्रजाति के ऊपर पॉलीकल्चर करना शुरू कर दिए है। इनमें से आता है सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, साथ ही साथ कार्प को छोड़कर भी हम लोग कवई गरई ये सब मछली को भी लेना शुरू कर दिए है। अभी देखा गया है कि मोनोसेक्स तिलापिया पापदा ये सब मछली भी बहुत अच्छा दर दे रहे हैं, और ज़्यादातर पापदा मछली जो है वो कार्प से भी बेहतर मार्केट वैल्यू है, तो इस हिसाब से हम लोग मछली को पहले चयन कर लेते हैं पालन के लिए। मत्स्य पालन हेतु 0.2 हेक्टेयर से 5.0 हेक्टेयर तक ऐसे तालाबों का चयन किया जाना चाहिए जिनमें वर्ष भर 8 से 9 माह पानी भरा रहता हो। तालाबों को सदाबहार रखने के लिए जल की आपूर्ति का साधन होना चाहिए। तालाब में वर्ष भर 1 से 2 मीटर पानी अवश्य बना रहे। तालाब ऐसे क्षेत्रों में चुने जाएं जो बाढ़ से प्रभावित न होते हों तथा तालाब तक आसानी से पहुंचा जा सके। यदि तालाब से पानी निकालना संभव ना हो तो तल को समय समय पर रेकिंग करते रहना चाहिए तथा 1 टन चूना प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष किस्तों में डालना चाहिए। पहले बहुत पहले देखा गया था कि मछली पालन ज़्यादातर बांस के कटोरे में या कोई भी पत्ते जैसे पलमीरा वो सब पत्ते में लोग ले जाते थे, पर धीरे धीरे जितना भी इम्प्रूव होते रहा हम लोग क्या किए हैं, आइदर आप पॉलीथीन में जहाँ पर हम ऑक्सीजन देकर अगर आप पॉलीथीन पैकेट में अगर आप मछली ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेते हैं तो याद रखिए
पानी वहाँ पर एक चौथाई होना चाहिए और 3/4 जितना भी पार्ट है वो ऑक्सीजन से भरे रहना चाहिए और उसको हम अच्छे से सील कर लेते हैं और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम लोग डबल पन्ने इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे करके आप लगभग 24 से 48 घंटे आप अच्छे से मछली को ले जा सकते हैं ताकि मछली में कोई भी तनाव ना हो और आसानी से जब आप उसको दूसरे जगह में जब ले जाते हैं और दूसरे पर्यावरण में वो जब शामिल होते हैं तो वो सही रहता है कंडीशनिंग के बाद। तालाब में परिपूरक आहार जैविक तथा रासायनिक खाद निर्धारित मात्रा में उपयोग करने पर मत्स्य बीज की संख्या सामान्यतः प्रति हेक्टेयर 5000 फिंगरलिंग तथा मिश्रित मत्स्य पालन में 10000 फिंगरलिंग संचय किया जा सकता है। तालाब पूर्ण तैयार होने के उपरांत विभिन्न मत्स्य प्रजातियों जैसे कि भारतीय मेजर कार्प, मछलियों में कतला, रोहू एवं नैन और विदेशी कार्प, मछलियों में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एवं कॉमन कार्प का मिश्रित पालन विशेष लाभकारी होता है। यदि 6 प्रकार की देशी व विदेशी कार्प मछलियों का मिश्रित पालन किया जा रहा हो तो कतला 20%, सिल्वर कार्प 10%, रोहू 30%, ग्रास कार्प 10%, नैन 15% और कॉमन कार्प 15% का अनुपात उपयुक्त होता है। यदि सिल्वर कार्प व ग्रास कार्प मछलियों का पालन नहीं किया जा रहा है और 4 प्रकार की मछलियां ही पाली जा रही हैं, तो संचय अनुपात कतला 40%, रोहू 30%, नैन 15% व कॉमन कार्प 15% होना लाभकारी होता है। यदि केवल भारतीय मेजर कार्प मछलियों का ही पालन किया जा रहा हो तो कतला 40%, रोहू 30%, नैन 30% का अनुपात होना चाहिए। कॉमन कार्प मछली का बीज मार्च अप्रैल व मई में तथा अन्य कार्प मछलियों का बीज जुलाई अगस्त और सितंबर में प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले ये देखना है जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट 2-3 तरीके से होता है। एक है जब हैचरी से हम लोग जब छोटे मछली बीज अंडा प्रस्फुटन होकर बीज होता है, स्पॉन होता है, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं तालाब या फिर नर्सरी रियरिंग तालाब में ले जाते हैं, तो वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो इस तरीके का जो ट्रांसपोर्टेशन जब होता है तब इतना ध्यान रखिए कि मछली जब पर्यावरण करने के लिए जाता है तो उसको आप 1-2 दिन से खाना प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप खाना प्रयोग करते हैं तो मछली का जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग खाना प्रयोग नहीं करेंगे 2 दिन के लिए। और जब भी हम मछली को बाहर निकले मतलब परिवहन के लिए ले जाएंगे तो उसका जो स्टॉकिंग है मतलब उसको ओवरक्राउड हम कर देंगे, तो तब क्या होता है वो एक ही जगह में रहकर मतलब उसका एक हम एक्लिमेटाइज कर दे रहे हैं, उसको एक सहन शक्ति बढ़ा देते हैं कि वो कम जगह में एकत्रित कुछ घंटों के लिए रह पाए। तो उसको हम 1-2 दिन के लिए वैसे ओवर क्राउडिंग करके रख देते ताकि वो पर्यावरण के लिए अडेप्ट हो पाए। तो उसके बाद हम लोग ले जाते, जैसे ये दोनों चीज़ हमको करना है, एक है हमको ओवर क्राउडिंग करना है और नेक्स्ट है हमको 2 दिन तक खाना प्रयोग नहीं करना है, तभी आप पर्यावरण के लिए उसको अक्लिमेटाइज मतलब अडेप्ट कर पाएंगे। तो इस तरह हम लोग ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। मत्स्य बीज संचयन के 15 दिन पूर्व प्रारंभिक मात्रा 5000 किलोग्राम ताजा गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए और दूसरे माह से प्रति माह 555 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। इसके साथ ही यूरिया 18 किलोग्राम या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 36 किलोग्राम, सिंगल सुपरफास्फेट 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रति माह डाला जा सकता है। इससे वनस्पति प्लवकों एवं जंतु प्लवकों की उत्पत्ति होती है जो मछलियों के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है जिन्हें खाकर मछलियां तेजी से बढ़ती हैं। जलीय वनस्पतियां मछली के शत्रु को आश्रय देती हैं। ये तालाब के ऑक्सीजन के संतुलन को प्रभावित करती हैं तथा मत्स्य खेत के समय जाल चलाने में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। इनके अधिकता से सूर्य की किरणें तालाब की तली तक नहीं पहुंच पाती जिससे मछलियां बाढ़ प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए मत्स्य पालन के पूर्व जलीय वनस्पतियों का उन्मूलन कर देना चाहिए। बारामासी तालाबों में अनेक प्रकार की मांसाहारी तथा अनचाही मछलियां भी रहती हैं। मांसाहारी मछलियां मत्स्य बीज को हानि पहुंचाती हैं, जबकि अनेक छोटी छोटी अनचाही मछलियां भोजन संबंधी स्पर्धा पर नुकसान पहुंचाती हैं, जिन्हें यदि संभव हो तो समय समय पर जाल बिछाकर मांस भक्षी तथा अनचाही मछलियों को निकाल ही देना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राज मोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के
अधिकतर क्षेत्रों में मुख्यतः घने बादल छाए रहने की संभावना है और मध्यम वर्षा हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ में जिन फसलों की बुआई करनी हो उनकी उन्नतशील प्रजातियों के बीजों की व्यवस्था कर लें। धान का थरहा डालने या बुआई से पहले स्वयं उत्पादित बीजों को 17% नमक के घोल से उपचारित कर पुष्ट बीजों का चयन करें। प्रमाणित या आधार श्रेणी के बीजों के पैकेट में प्रदाय किए गए फफूंदनाशक से अवश्य उपचारित करें। धान की नर्सरी के लिए गोबर खाद की व्यवस्था कर लेवें। सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की स्थिति में धान का थरहा तैयार करने के लिए खेतों में पलेवा देकर उपयुक्त ओट आते ही खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर भुरभुरी खेत तैयार कर रखें। इस प्रक्रिया से खरपतवार काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं और खेत तैयार रहने से जून के पहले सप्ताह में थरहा तैयार करने के लिए बुआई कर सकते हैं। धान की रोपाई वाले कुल क्षेत्र के लगभग 1/10 भाग में नर्सरी तैयार करें। इसके लिए मोटे धान वाली किस्मों की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पतला धान की किस्मों की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज डालें। सोयाबीन, मक्का, मूंगफली आदि फसलों की बुआई के लिए खेतों की गहरी जुताई कर तैयार कर लें, जिससे बहुवर्षीय घास नष्ट हो जाएं। खरीफ की लत्तर वाली सब्जियों जैसे लौकी, कुमड़ा का बैग में पौधे तैयार करें और करेला, बरबट्टी लगाने के लिए अच्छी किस्म का चयन कर मेड़ नाली पद्धति से फसल लगाना सुनिश्चित करें। जो किसान भाई फलदार पौधे लगाना चाहते हैं वे वर्तमान में खेतों की तैयारी करें और साथ ही साथ खेतों में वर्षा ऋतु में पौधे लगाने के लिए गड्ढों में मिट्टी के साथ सड़ी हुई गोबर की खाद, दीमक मारने की दवा एवं अनुशंसित उर्वरक की मात्रा मिलाकर पुनः जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊंचा भरें। अदरक और हल्दी की रोपित फसल में जल निकास को वर्षा से पहले ठीक कर लें। मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खियों के लिए कृत्रिम भोजन का घोल बनाकर भोजन पात्र में आवश्यकता अनुसार दें। समय समय पर मधुमक्खी पेटी की साफ सफाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। साथ ही मोमी कीट दिखाई देने पर उसकी सफाई करें। मिट्टी के बने बर्तन या प्लास्टिक की कटोरी में साफ एवं ताजा पानी दें। ततैया दिखाई देने पर ततैया का नियंत्रण करें। पशुओं को 50 से 60 ग्राम नमक पानी में मिलाकर अवश्य खिलाएं। दुधारू पशुओं के आहार में दाना मिश्रण की मात्रा बढ़ा दें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। मुर्गियों के लिए पीने के पानी की मात्रा 3-4 गुना बढ़ा दें। पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने मवेशियों को गला घोटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम जैतपुर जिला सतना के कृषक चमन कुमार ने ये वर्षा जल संरक्षण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चमन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जल ही जीवन है, यह स्लोगन सभी प्राणियों पर लागू होता है। पूरे पृथ्वी पर 2/3 जल है, जिसका 97.5% भाग खारा है, जो पीने या खेती योग्य नहीं है। 2.5% जल ही उपयोगी है। इसमें से भी 1% से कम जल पीने, खेती और अन्य कार्य के लिए उपलब्ध है। शेष जल ग्लेशियरों, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है। पृथ्वी पर मौजूद जल का 80% उपयोग फसलों के लिए होता है। ऐसे में किसानों की पहली जिम्मेदारी बनती है कि वह जल की रक्षा के लिए अपने स्तर पर कुछ करें। आज देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां फसलों की सिंचाई के लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं
और फसलें जल के अभाव में सूखने लग जाती हैं और किसान खाने तक के लिए मोहताज हो जाता है, जो कि बहुत ही भयावह है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इसके लिए पूरी तरह से प्रकृति ही जिम्मेदार है? हम नहीं, तो हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज गांवों में कुएं बहुत कम दिखाई देते हैं, जो बचे हैं उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पोखर तालाब भी कम होते जा रहे हैं। बरसात में खेतों की मेड़बंदी अधिकतर किसान आज नहीं कर रहे हैं। फसलों में नाली से सिंचाई करने में जल की बर्बादी हो रही है। फसल चक्र का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों, जल है अनमोल, आपसे बेहतर कौन समझेगा इसका मोल। आपको पता है कि जल का आधार वर्षा ही है और पूरे साल में वर्षा जल का 70-80% बरसात मानसून के 3 महीनों से मिलता है। शेष 9 महीनों में 20-30% वर्षा होती है। इसी पानी से भूमि का रिचार्ज होता है और आगे के लिए इकट्ठा करना होता है। इसके लिए अब हमें आज के हिसाब से कृषि को समझने की जरूरत है और जल बचाने के अलावा संचय करने के लिए भी सोचने की जरूरत है। कृषि के जानकारों का मानना है कि अगर किसान जल प्रबंधन सही ढंग से कर ले तो वह एक समृद्ध किसान बन सकता है। फसलों में सिंचाई के लिए आज भी नाली विधि से सिंचाई ज्यादातर किसान कर रहे हैं। इसमें जरूरत से ज्यादा पानी फसलों में चला जाता है, जबकि आज सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक किसान अपना रहे हैं और कम पानी से फसलों की सिंचाई कर रहे हैं, जिसे अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए शासन अनुदान भी दे रही है। कई एरिया में किसान जानकारी के अभाव में पूरे साल के दौरान ऐसी फसलें लेते हैं जिसमें सिंचाई जल अधिक लगता है। इसलिए फसल चक्र का ध्यान रखें और फसल चक्र में दलहनी फसलों को जरूर शामिल करें। बरसात से पहले खेतों में मेड़बंदी करें, जिससे खेत का पानी खेत में रहे। प्रयास करें कि खेतों में अधिक से अधिक कंपोस्ट खाद का प्रयोग हो। ऐसा करने से फसलों में सिंचाई का अंतर बढ़ जाता है। आप खेत में सबसे निचली जगह पर तालाब बनवा सकते हैं। ढलानों पर छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करवा सकते हैं, जिससे बरसात का पानी इकट्ठा हो सके। ऐसा करने से भूमि का जलस्तर बढ़ता है और यदि बड़ा तालाब है तो सिंचाई के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तालाब निर्माण के लिए शासन द्वारा अनुदान भी दे है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसे किसान मिलकर कर सकते हैं, जैसे खेत के निचले स्थान पर रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाएं, जहां बरसात का पानी इकट्ठा होता हो। पुराने कुएं और नलकूपों को बरसात से पहले रिचार्ज करने की तकनीकों को अपना लें, जिससे भूमि का जलस्तर बढ़े और नलकूपों से भरपूर पानी आए। किसान संगठन बनाकर शासन प्रशासन की सहायता से नदी नालों में स्टॉप डैम और ढाल के विपरीत चेक डैम का निर्माण करवा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है pat@mp.news18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।